एक आदमी की जिंदगी में दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी बर्बादी की कगार पे पहुंच जाए तो दूसरी बची हुई होती है, उसकी हेल्प लेके आदमी अपने आप को रिवाइव करने की थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी रखता है। मगर जब मेरे पे बुरा टाइम आया था तो मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर गई थी। काम धंधे बंद हो गए थे, दिखाने बताने के लिए कुछ भी नहीं था। और जब मेरे ऊपर ये सबसे बुरा दौर आया, उसमें कई महीने स्पेंड करने के बाद इवेंचुअली मेरी मुलाकात हुई उन मैडम से जिनसे मैं आज की वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूँ, जिसने मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ सॉर्ट कर दी एक तरीके से सबसे बुरे दौर में। ना कि मेरे को सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि मेरे को पूरा सपोर्ट भी दिया और मेरे को वो तिनका फरहाम कर दिया जिसकी इस डूबते को तलाश थी। बस मैंने वो पकड़ा और किसी तरह मेहनत करके अपने बुरे दौर से वापस आ गया। और वो सारी कहानी आज आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, और साथ ही आपको मिलाऊँगा उस मैडम से जिसको मैं प्राउडली अपना वुड बी लाइफ पार्टनर कहता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हाँ जी, उठो 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 उठो, बिग डे बिग डे। हाँ जी, उठ गए? क्या लग रहा कुछ लोग देख के? भाभी जी जरा बताना इनमें से कौन से वाले पहनूं? हुडी तो बिल्कुल नहीं, हमेशा हुडियां ही पहनते हो। ये बात तो ठीक है। हाँ। मगर ये कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं लग रही, देखो नई हुडी है। नहीं, इंडिया से नई लेके आए? नहीं, हुडियां नहीं। नई हुडी नहीं, हुडियां हमेशा ही पहनते हो। फिर ये थोड़ी फॉर्मल है, एक ट्राउजर है। मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूं, सनी के पड़े हुए हैं, रखो इसको। ठीक है, सनी ठीक है। तब तक तो ये, हां तेरी क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो भाई देख लो, ये क्या है, हल्दी लग रही है? सॉरी, लगता है खाना पिछली बार इसके साथ ही खा लिया था। धुलवाने का टाइम नहीं है, कोई नहीं। आप ये सनी की है? हाँ, सनी की है। अच्छा, ये तो अच्छा लग रहा है यार। ये भी है, ये इसके साथ चल जाएगा, दोनों ही चल जाएंगे। ओहो यार, भाभी जी आप थोड़ी मेरी भी शॉपिंग करवा दिया करो। शॉपिंग भाभी नहीं कराती। अब आ रही है शॉपिंग वाली, ठीक है ठीक है, अब उसकी ड्यूटी लगाएंगे ये सारी। हाँ हाँ, अच्छे हैं सारे, अच्छे हैं। चलो मैं जो मेरे को फिट आ गया, जिसमें थोड़ा कम मोटा लगा वो पहन लूंगा, ठीक है जी? चलो चलो चलो, उधर भी गतिविधि चालू हो गई होगी, हम भी निकले। अरे भैया, आज बर्फ कितनी पड़ी हुई है बाहर, देख कितनी पड़ रही है, पड़े जा रही है बर्फ तो भैया। आज अभी लगा लो स्नोफॉल का दिन, अब क्या कर सकते हैं, मौसम ऐसे ही है। सड़कें तो भरी पड़ी होंगी लगता है आज बर्फ से। कैसे जाएंगे फिर मम्मी? गाड़ी चले, गाड़ी तुम ही चलाओगे और क्या? गाड़ी चल जाएगी इसकी, ऑल व्हील ड्राइव। और हमें ऐसे देख के घबराहट होती है कि देखो कितनी बर्फ पड़ रही है। जो कनेडियन है ना, जिसके घर हम जाने लगे हैं, ये तो इतनी बर्फों में बस जॉगिंग करने निकल जाते हैं, ये नहीं रुकते, चाहे बर्फ हो जाए, ये एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं। तब ना जब निकलोगे। ये बात तो ठीक है, लेट हो गए भाई, उठो फटाफट फिर चला जाए यार, क्योंकि अब कहानी लंबी करनी की फायदा नहीं है।
चलो। अरे ये क्या है? स्वेटर है। कितना खुला हो गया? खुला नहीं हुआ, मेहनत की है इसने, दिख रही है वो सारी मेहनत। मेहनत तो तूने बहुत कराई है, बेचारे को मेहनत कर करके इतना हाल कर दिया। सैक्रिफाइस किया इसने भैया, खाने पीने में खाने का ध्यान रखा है इसके, प्रॉपर विटामिन सी है, कितना प्रोटीन देना हर रोज इसको, हर चीज का ध्यान रखा है। अच्छा चलो भाई अब स्मूदी बनाओ, भूख लगी। हाँ स्मूदी वाला काम भी कर लो, प्लान मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं इंडिया गया था ना तो वहाँ पे हमेशा बाहर का खाना कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ना मेरी हल्का वजन बढ़ गया, मैं वो थोड़ा सा फिर से फिटनेस रेजिम में वापस आने मगर आ रही है ठीक है, खिंचाई करने वाली की सुनता नहीं है, मैडम का जो है ना उनका भी यहाँ पे, तो कनाडा में फिटनेस को बहुत ज्यादा शुरू से ही स्कूल लेवल से पढ़ाते वगैरह करते हैं और रूटीन में ही इनके शामिल होती है। खैर अपनी प्रोटीन की खुराक पहले पूरी कर लें, आप स्मूदी बनाओ साथ में, चलते हैं शेक और माय प्रोटीन पे डिस्काउंट चल रहा है जी, अगर आप टीडी फैमिली कोड यूज करेंगे यू कैन यूज द सेम प्रोटीन दैट वी डू। पर जय जी ने इसको तो फिट कर दिया, अब मैं थोड़ा सा जो है ना स्ट्रिक्ट रेजिम में आ जाता हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं बेइज्जती हो रही है इस बार, मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं जाके, ठीक है ठीक है। मेरा तो यार इसी में भर दो, मैं ये रास्ते में जो है ना सिप सिप करता हुआ जाऊंगा। आप देख ही रहे हो कितनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, किसी तरीके से ड्रोन उड़ा लिया, उड़ तो गया है मगर जितनी देर में गाड़ी साफ़ हुई, मम्मी को अंदर बिठाया, हमने सामान रखा, फिर गाड़ी सफ़ेद हो गई है। शूज़ सॉरी मैंने थोड़े हाथ में पकड़े हुए हैं क्योंकि अभी विंटर शूज़ पहने हैं, वो भी भाई के मार के, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोलते बोलते मुँह के अंदर बर्फ़ जा रही है, बस अभी फटाफट निकले। सारा जी शहर आज अपने घर से बाहर नहीं निकला मगर हम लोग निकल गए हैं क्योंकि भैया एक तो प्लान बड़े टाइम से बना हुआ था, दूसरी चीज़ ये कि प्रॉमिस किया था 28 को वीडियो आनी है और अगर एक भी दिन लेट होगी तो जो गोवा सीरीज में गत हुई थी वो नहीं करवानी है मम्मी, क्यों जी है ना कमिटमेंट करी हुई है तो इसीलिए जो दिन बताया उसी दिन ही बनानी है वीडियो, इधर निकल गए हैं फुल ऑन, बहुत बर्फ है।
बाकी दो की बातें तो होती रहेंगी, मगर अब जिनसे मिलने जा रहे हैं उनका नाम है सैंड्रा बोशॉम, BEAUCHAMP, और इसको प्रोनाउंस इस तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि ये कनेडियन होने के साथ साथ एक्चुअली एक फ्रेंच कनेडियन नाम है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ क्वेबेक जहाँ पे की फ्रेंच बोली जाती है, वो फ्रेंच लोगों के डिसेंडेंट है और मॉन्ट्रियाल में शी इज़ बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, रीजन वहाँ का रहा है तो इसीलिए। बट सैंड्रा बोशॉम जी से जब मैं पहली बार मिला था, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन टू माई सेपरेशन फ्रॉम माई फर्स्ट मैरिज। एक साल पहले भी जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि उस टाइम मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके थे सेपरेट होते हुए अपनी फर्स्ट वेडिंग से, तो जब मैं इनसे मिला तो सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि भाई मैं बताऊं कि मेरी क्या सीन चल रहा है कि ना बताऊं। वो कहते हैं ना कि दो तरह के रास्ते होते हैं, एक होता है आसान रास्ता और दूसरा होता है सही रास्ता। तो मैंने आसान रास्ता ले लिया उस टाइम, जो कि गलत था मेरे वार्ड पे। मैंने बताया नहीं शुरुआत में कि मेरी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कुछ पता भी नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, और अभी ये डिस्कस करूं कि ना करूं, पता नहीं जज ना कर ले, डर भी घबराहट भी। अब वो बंदा कहता है कि नहीं सही बता देना चाहिए, है ना, सच्चाई तो पहले बता। मगर उस टाइम की आप सिचुएशन समझो ना, कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी, कितनी परेशानी थी, मैं कहीं बात क्या गई, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या गलती मेरी थी मैंने नहीं बताया। उसके बाद कुछ टाइम तक जो है मिलना जुलना चालू रहा, मुझे भी रियलाइज हुआ, उन्हें भी रियलाइज हुआ कि दिस हैज समथिंग टू इट। तो मैंने कहा अब बहुत ज्यादा देर होने से पहले फटाफट बता देता हूँ कि कल को फिर है ना किसी और से पता लग जाए, कुछ हो जाए, ज्यादा गड़बड़ो और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती चली जाएगी। मैंने करेज और हिम्मत गैदर करी और उसके बाद फाइनली जो है उनको बुला के बता दिया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है और ये मेरी स्टोरी है और मैं अभी सेपरेटेड हूँ, डिवोर्स्ड नहीं हूँ। तो उन्होंने टू माय सरप्राइज इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्टिंगली लिया और पूरी चीज़ सिचुएशन समझी भी, कंप्लेन नहीं की, डांटा नहीं। मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा लड़की होना ये समझना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो मैं समझ सकता हूँ उस बात को। तो मगर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया और ये भी तक भी कह दिया कि चल ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनको लगा हो कि भाई ये इंसान ऐसा नहीं है कि है ना मजबूरी के तहत शायद किया हो। तो उन्होंने ये समझी बात और मेरे को बेफिक्रा कर दिया ये कह के कि जितना टाइम लगता है आप अपना प्रोसेस पूरा संभाल लो, इट इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट, और आप कर लो, जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर वी विल रिज्यूम एज इन अ नॉर्मल रिलेशनशिप और वट एवर। अब ये ना कहना एक नॉर्मल सिचुएशन में चलो फिर भी बात समझ आती है कि एक ऐसा बंदा जिसकी 9 से 5 की नौकरी हो, अपनी लिमिटेड सी लाइफ हो, मगर मेरे जैसा बंदा जिसने 5-6 घंटे कैमरा उठा के रखना है, जिसकी विद अ फ्यू एक्सेप्शंस लार्जली लाइफ पब्लिक है, तो उस केस में आपको यू हैव टू बिकम अ नोबडी, है ना, यू हैव टू ऑलवेज बी इन द शैडोज। आपने आना ही नहीं सामने, कैमरे के पीछे रहना है, स्पेशली इस चीज़ के एफर्ट करने हैं दैट यू आर बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि कंस्टेंट हम सारे ये चाहते थे, उनका भी ये था कि भाई इंट्रोडक्शन जब भी हो या फॉर्मली तो एटलीस्ट वो एक हैप्पी सिचुएशन में हो कि हाँ द टाइम इज़ राइट एंड वी आर प्रोसीडिंग, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा और फिर जज करने की भी सिचुएशन लोगों की। तो उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, इतना टाइम जो लगा, और वो भी ये मानते हुए जानते हुए कि क्योंकि उस टाइम थोड़ी पता था कि कितना टाइम लगेगा ये सारा मेरा मैटर सॉल्व होने में, शी स्टूड विद मी वेरी पेशेंटली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोच के आप समझ सकते हैं कि दिल कैसा होगा और कैसा जो है पेशेंस लेवल किस तरीके का होगा, किस तरीके की रिलेशनशिप की तरफ कमिटमेंट होगी कि बंदा कहता है कि है ना मैं ये सब बर्दाश्त कर लूँगी। बट ये तो चलो अभी एक साइड की स्टोरी है ना, दूसरी साइड की ये थी कि उसने इवेंचुअली मेरे से पूछ लिया कि भाई तूने कार दसिया है कि नहीं, उसके बाद आपकी फैमिली को पता है, फिर मैं कहा भैया घर वही बात करनी पड़ेगी, बता ही लेता हूँ, क्योंकि घर पे भी वही सेम सिचुएशन थी। और फिर हमारे यहाँ पे असली जो करेज था वो तो पहले था ही नहीं, असली करेज तो अब जुटाना पड़ेगा माता जी के लिए। तो मैंने कहा यार अब ये घर वाली सिचुएशन भी है, तो इसीलिए यहाँ पे ना अभी मैं बात करता हूँ। तो बात जब करी, मम्मी को आके बताया, तो एक मेरे माइंड में ये भी था कि जो मीडिया ने जैसे परसेप्शन है कि ये बना रखी है ना कि वेस्टर्नर्स जो होते हैं फॉरेन कल्चर के अंदर रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली नहीं लेते, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, पता नहीं होगा क्या क्या नहीं होगा, तो वो मुझे लगा कि इनके माइंड में एक और आएगा, पहले इनको टेंशन स्ट्रेस इतना, तो फिर मगर बताना तो था ही, तो मैंने इवेंचुअली करके बताया। फिर माता जी का रिएक्शन कैसा था वो माता जी खुद ही बता देते हैं।
झटका तो लगा मुझे जब मनी ने पहली बार मुझे यह सब बताया, पर जैसे जैसे मैंने मनी को धीरे धीरे संभलते देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, ये धीरे धीरे संभल रहा है। और जिस तरह से पहले बहुत ये डिप्रेशन में था और इधर उधर भटक रहा था, तो मुझे लगा कि इसकी ज़िंदगी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पटरी पर आ रही है। और फिर उसको भी मैं जैसे जैसे मिली और मुझे बहुत तसल्ली होती गई कि अच्छी लड़की है चाहे वो फ्रेंच कैनेडियन, मगर हम लोगों के साथ जो है वो हमारे जैसी है, चाहे इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, बस इतना ही फर्क है, बाकी है हमारे जैसी है। चिकनी टिक्का मसाला। टिक्का मसाला? ओके, नाइस नाइस। अब जी 2 घंटे हो गए हैं पहुंचे हुए। मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग शुरू कर दी थी, स्क्रीन में निकाल लिया। मैंने कहा जब तक ये लोग गपशप मार रहे हैं मैं साथ साथ काम करूँ ना, सिंगल एडिट करनी है। बट फाइनली नाउ वी आर ऑन द टेबल, आई थॉट दैट वी शुड डू अ बिट ऑफ अ टॉकिंग। बट बिफोर दैट, सबसे पहले मम्मी हैज ब्रॉट यू अ गिफ्ट। थैंक यू मम्मी जी, ले गया ले गया ले गया। Oh, what's super cute! I love it. चलो मम्मी, मनी आपकी तो मानता नहीं है, कोई ऐसा काम जो आपने अब सिफारिश से करवाना हो। ठीक है, अब मनाने वाली मनाएगी इसे, है ना, कि इसकी थोड़ी ग्रूमिंग हो, थोड़ा अच्छा खाना पीना हो, कपड़े वपड़े हो। तो तुम बताओ, समझाओ उसको। मैं तो इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल रहूंगी नहीं सैंड्रा के साथ, तो थोड़ा इसे बताओ इसे कैसे बढ़िया से तैयार हो जाए। So all mummy is saying that he's always in front of camera and he doesn't take care of himself, about his fitness, about his dressing sense, about his grooming, and now it's your responsibility to take care of him. Can you do that? I think for the grooming part I can manage. Daddy will listen. For the fitness he has to be ready. That's fitness part. Okay, but you are like, you have been doing CrossFit for so long. You train, you run, you have your individual capacity in which you can. For me, you know, I work so extensively editing, everything is always on my mind, and I am someone who is kind of a little lazy to take care of himself when it comes to grooming and secondary to fitness. Like, you know, I am always lazy about having my supplements and everything, like vitamins and all those things all the time. So if you can take care of it, I will be really happy, and I can give you the full charge of making sure that all my vitamins, everything, even protein, for which I have my protein, and my fitness regime in general is your responsibility. Running, let exercise, whatever. Let it go. Let's do this. I'll give you a 15-day plan. I'll do your full workout, meal plan. I'll take into consideration that you're a beginner. And if you don't listen to me, I'll sure let everyone know. Okay, I'll try 15 days. As long as you make sure that I am a beginner and you take a good care, I can try. मम्मी खुश है, ठीक है, यही चाहिए था मम्मी को, यही चाहिए।
ये तो आपकी छोटी सी मुलाकात होगी सैंडर से, अभी तो डिटेल शुरू होंगी, बहुत सारी बातें और करनी है कि कैसे मिले और आगे के क्या प्लान्स हैं एंड एवरीथिंग। मगर एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता जाऊँ, जो मैं पीछे कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था वो ये कि थोड़ी सी अब आप ये लगा लीजिए कि हल्के से नज़रिए अगर तंग हो तो माइंड में ये आ सकता है कि जी दिस इज़ लाइक यू नो अ शॉर्टकट टू कनेडियन सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी या इमिग्रेशन। ठीक है जी, अब तो आपकी लाइफ पार्टनर जो है वो कनेडियन सिटीजन है, थिंग्स आर अलॉट ईजियर। बट ऐसा नहीं है, this relationship is not because of the status but it is actually all the way opposite। mere ko agar canada mein permanent residence lena hai to wo main meri jo first attempt hai wo c11 visa ke through hi hai jo ki mera apne business ke upar based hai that I would have anyways acquired whether being with a canadian or not, that process will still continue। aur dusri cheez ye bhi hai ki मेरे को क्योंकि मैं विजिटर वीजा पे यहाँ कितना आऊंगा, नाउ दैट माय लाइफ पार्टनर इज गोना बी अ कैनेडियन एंड इन कनाडा, बट अदरवाइज वी विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया एज वेल बिकॉज शी इज रियली नॉट अ फैन ऑफ कैनेडियन विंटर्स, एम आई राइट? इंडीड इंडीड। सो वी हैव अ जनरल एग्रीमेंट दैट फॉर समर्स एंड गुड स्प्रिंग वेदर वी आर गोना बी हेयर एंड विंटर्स मे बी एज सून एज द क्रिसमस बिगिंस, यू सेलिब्रेट द क्रिसमस विद द फैमिली, वी टेक द फ्लाइट एंड वी गो डाउन स्ट्रेट टू इंडिया फॉर एटलीस्ट 4-6 मंथ्स एंड आगे दोनों जगह हम रहेंगे, दोनों जगह हमारे बिजनेसेस चलाने की कोशिश करनी है, दोनों जगह लाइफ पैरेलली चलेगी। और उम्मीद और आशा ये है कि आगे जब आगे की नस्लें होती हैं तो वो आधा कल्चर यहाँ का और आधा कल्चर जो है हिंदुस्तान का दोनों के साथ ग्रो अप करें, एटलीस्ट विचार ऐसा है। बाकी भगवान सेहत जिंदगी कितनी साथ रहते हैं नहीं रहते वो तो अलग बात है। और आगे की वीडियोज़ के अंदर जो है हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, कैसे प्रॉपर्टीज़, कैसे प्लान बनाए हुए हैं, क्या क्या बिजनेस शुरू करने हैं, नया चैनल हमने एक शुरू करना है और ये जो सारी कैमरा इक्विपमेंट है उसी के लिए है बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैनल वेरी सून इज व्हाट आई एम सेइंग, अ कपल्स चैनल। Are you excited about it or no? Very excited. Very excited. It looks like she's more scared than excited, but anyway. Shy. More shy. Okay. So, जी अभी जर्नी एक नई लाइफ की शुरू हुई है। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आगे की डिटेल्स और हमारे मजे मजाक फैमिली की मस्तियाँ ये सब देखने के लिए और इनसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।